एक नई स्टडी का कहना है कि बच्चों और टीनेजर्स को जिन्हें कोविड-19 हुआ था वो डायबिटीज होने के खतरे में है। ये स्टडी हुई जिसमें 6,14,000 पीडियाट्रिक पेशेंट्स इन्वॉल्व थे जिनकी उम्र 10 से 19 साल के बीच थी, और इससे क्लियर हो गया कि इन बच्चों को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की जगह टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा है। आपको बता दें कि टाइप 2 डायबिटीज में शरीर इंसुलिन हार्मोन से रेजिस्टेंट बन जाता है और बॉडी में भी इंसुलिन नहीं बन पाता, जिस वजह से शुगर लेवल्स बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। ये कंडीशन पुअर डाइट, ओबेसिटी और इनएक्टिविटी की वजह से भी हो सकती है। समय के साथ हार्ट डिजीज और किडनी प्रॉब्लम्स भी खड़ी हो सकती है। स्टडी के अनुसार बच्चों को कोविड इन्फेक्शन होने के 6 महीनों के अंदर डायबिटीज हो सकती है, और इसका बच्चे से हॉस्पिटलाइज होने से या ना होने से कोई संबंध नहीं है। रिसर्चर्स का मानना है कि कोविड-19 के बाद बच्चों की बॉडी पे स्ट्रेस बढ़ गया है और उन्हें लॉन्ग टर्म हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस हो गए हैं, और डायबिटीज के साथ डायग्नोस होने के बाद वो और भी बीमारियों के चपेट में आ सकते हैं। और डायबिटीज का ट्रीटमेंट और वेट कंट्रोल मेथड इफेक्टिव तो है, लेकिन बच्चों में बीमारी होने से रोकना बेहद जरूरी है। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए हेल्थ लाइफ को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।